पश्चिम बंगाल में हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले को लेकर आज पूरे मुंबई में बीजेपी ने आंदोलन किया। वहीं पर बात करें मुंबई के मलाड में नगर सेविका योगिता सुनील कोहली के मार्गदर्शन में बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सेंट्रल गवर्नमेंटला मोदी सरकारला आणि अमित शहाजींना आता लवकरात लवकर बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागवड करून ही जी लोकशाहीची हत्या करणारी जी काही गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती आहेत जी लोक आहेत कार्यकर्ते त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के नेता सुनील कोहली समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में उनकी यह मांग थी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, ममता सरकार उस पर एक्शन ले। जैसा वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 100% वहाँ जीत गई थी, लेकिन पोलिंग एजेंट से लेके हर कार्यकर्ता को इतना धमकाया गया, उनके घर जलाए गए, इतनी दहशत फैलाई गई और उसके बाद कई कई हमारे कैंडिडेट तो 4 वोटों से भी हारे हैं। और हम आपके तरफ एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है, जो इस देश की लोकशाही को मानती है, इस देश की परंपरा को मानती है, इस देश की संस्कृति को मानती है, उस 70% लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आज हमने देखा बंगाल में जो 30% जो लोग हैं, जो हम जाहिर रूप से कह भी सकते हैं कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, और ऐसे लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर 30% लोगों ने वहाँ TMC को वोट दिए। और हमारे जो 70% जो लोग हैं, जो जैसा बरखा दत्त, जैसे अरुंधति रॉय, ये सब लोगों को भड़काने का काम करता है, उसमें से 20% लोग जो वहाँ गए उसका भी चुनाव में परिणाम हुआ। और आने वाले समय में हम ये आह्वान करते हैं कि हमारे देश की जागरूक जनता ने एक होके जो देश की परंपरा है, देश की संस्कृति है, उसके लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने वाले और आने वाले समय में देश का जो होने वाला है वो बंगाल का चित्र देख के हमें सतर्क रहना है। दरअसल बीते दिनों से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दावा किया है कि यह पश्चिम बंगाल में TMC चुनाव जीतने के बाद पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर गई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमले कर रही है। बस यही वजह रही और इसका प्रोटेस्ट पूरे मुंबई समेत देश में देखा गया। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के नेता सुनील कोहली ने आरोप लगाया कि वहां के 30% रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान समाज के लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बंगाल का एक चुनाव हुई जिस वक्त चल रहा था, पूरा रक्तरंजित चुनाव था। चुनाव के पहले भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या हुई, उनको डराने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की, उनके घर जलाए गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलाए गए। इतना ही नहीं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जाते हैं उनके गाड़ी पर भी हमला किया जाता है। जो कैंडिडेट खड़े रहने वाले थे उनके घर पे जाके धमकाने का भी वहाँ कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी हमारे बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने जिस संघर्ष से और जिस साहस से बंगाल में इस दहशत में लड़ते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की 70 से 75 सीट लाने के बाद, जो एक लोकशाही तंत्र में चुनाव होने के बाद सब खत्म हो जाता है, खुद मोदी जी ने ममता जी दीदी को अभिनंदन किया कि आप जीती, लोकशाही तंत्र में जीती, नहीं जीती थी फिर भी एक लोकशाही की एक परंपरा है, उसके बाद इस तरह की जब घटना होती है तो उसका निषेध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ रस्ते पे उतरी है। और आने वाले समय में अगर 24 घंटे में यहाँ ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग इससे भी बड़ा संघर्ष करें।